पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने उस दौरान जमकर हंगामा मचाया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के बार बार अनुरोध करने के बावजूद बीजेपी के विधायक हंगामा मचाते रहे और जय श्री राम की नारेबाजी करने लगे। विमान बनर्जी ने इस दौरान कहा कि यदि वे लोग अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे तो वे कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे। बता दें कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बजट पेश किया, क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा अस्वस्थ हैं, इसलिए सीएम खुद बजट पेश कर रही थी। उन्होंने बजट पाठ शुरू करते हुए कहा कि वह 4 माह के लिए अंतरिम बजट पेश कर रही है। इसी बीच बीजेपी के विधायक मनोज टिग्गा के नेतृत्व में बेल में उतर गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। बता दें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने पहले ही बजट पेश किए जाने का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, जिसके चलते सदन में लेफ्ट और कांग्रेस के कोई भी विधायक उपस्थित नहीं थे। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब संसद में वक्तव्य रखते हैं तो क्या कोई इस तरह का व्यवहार करता है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बजट के समय कोई बात नहीं करता और बीजेपी के सदस्य ये नहीं जानते हैं, जब 4-5 लोगों में ही यह हालत है तो आगे क्या स्थिति होगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी और अम्फान चक्रवात के बीच बंगाल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार की अवहेलना के बाद बंगाल की स्थिति बहुत ही बेहतर है और कई मामलों में बंगाल एक नंबर है।